हेलो एंड वेलकम टू द रेसिपी बाउल। गर्मियों का सीज़न है और इस सीज़न में मिल्क शेक पीना सभी को पसंद होता है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चार इजी मिल्क शेक की रेसिपीज़। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है और इस जार के अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप कटा हुआ आम, साथ ही 2 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम, आइसक्रीम ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1 कप इसमें दूध डाल दिया है और कुछ आइस क्यूब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और बस अब इसे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अब मैं इसे सर्विंग ग्लास में डाल रही हूँ। तो यहाँ हमारा हेल्दी टेस्टी रिफ्रेशिंग मैंगो मिल्क शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। सेकेंड में यहाँ बनाने जा रही हूँ बनाना मिल्क शेक। तो हमने ब्लेंडिंग जार लिया है और इस ब्लेंडिंग जार में मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध। ये मैंने ठंडा दूध यूज़ किया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटा हुआ केला, साथ ही 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी। अगर आप चीनी यूज़ ना करना चाहें तो आप शहद का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो बस अब इसे ब्लेंड करके हम सर्विंग ग्लास में डाल रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा बनाना मिल्क शेक भी बनकर बिल्कुल तैयार है। गार्निशिंग के लिए थोड़े से कटे हुए पिस्ता ऐड कर देंगे और इसे भी हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। अब मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो मिल्क शेक। ओरियो मिल्क शेक बच्चों का तो फेवरेट होता है। तो यहाँ ओरियो मिल्क शेक बनाने के लिए एक ब्लेंडिंग जार में मैंने डाले हैं 5 ओरियो बिस्किट। इन्हें मैंने थोड़ा तोड़ के डाला है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ आइस क्यूब। साथ ही अब इसमें मैं डालूँगी 1 कप दूध। अगर आप शेक थोड़ा गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें। और साथ ही अब इसमें मैं 2 चम्मच चॉकलेट सिरप भी ऐड कर दूँगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही 1 स्कूप मैंने वनीला आइसक्रीम भी इसमें ऐड कर दी है और बस अब इसे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सर्विंग ग्लास में थोड़ा सा चॉकलेट सिरप लगाकर हम तैयार ओरियो मिल्क शेक इसमें डालेंगे। तो ये हमारा बच्चों का फेवरेट ओरियो मिल्क शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। गार्निशिंग के लिए ऊपर से कुछ बिस्किट हमें इसमें ऐड कर देने हैं। तो इसे भी आप ठंडा ठंडा सर्व करें। अगला मैं बनाने जा रही हूँ पपाया मिल्क शेक। तो यहाँ पपाया मिल्क शेक बनाने के लिए ब्लेंडिंग जार में मैंने 1/2 कप पपाया लिया है, साथ ही इसमें 2 चम्मच मैंने चीनी ऐड कर दी है। साथ ही अब मैं इसमें कुछ आइस क्यूब ऐड कर दूँगी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम। इसके साथ ही आप इसके अंदर 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। रूह अफ़ज़ा डालने से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही अब मैं इसमें 1 कप दूध डाल रही हूँ और बस इसे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ ब्लेंड करने के बाद मैं इसे सर्विंग ग्लास में डाल रही हूँ। इसे भी आप ठंडा ठंडा सर्व करें। पपाया शेक को बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसे हमें पहले से बनाकर बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो आप इसे जब सर्व करना हो तभी बनाकर तैयार करें। तो इसी के साथ हमारे 4 हेल्दी टेस्टी रिफ्रेशिंग फ्लेवर वाले मिल्क शेक बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो इस समर सीज़न आप भी इन मिल्क शेक की रेसिपीज़ को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।